हरी माता की कथा। कहीं बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम खारी था। यह बच्ची न केवल खूबसूरत दिखने वाली थी, बल्कि उनके मन, वचन और कार्यों में भी एक अद्वितीय श्रीराम भक्ति का प्रतीक था। खारी माता की माता ने उन्हें श्री राम की कथाओं, भजनों और आदर्शों से परिचित किया। खारी माता के द्वारकांड प्रयाणों के दौरान वे भगवान राम की चरणों में एक अपरिहार्य भक्ति का अनुभव करती थी। और एक दिन एक दुखी यात्री खारी माता के पास आया और उसने उसे अपने संकट के बारे में बताया और उसने उसे अपने संकट का समाधान ढूंढने के लिए पूछा। और खारी माता ने उसकी बातों को सुना और उसे भगवान श्री राम के प्रति अपना अद्वितीय भक्ति और विश्वास दिलवाया। उन्होंने उस यात्री को उनके संकट से निजात पाने के लिए भगवान श्री राम के चरणों में जाने की सलाह दी। यात्री ने उनकी सलाह मानी और श्री राम की आराधना करने का निश्चय किया। खारी माता की भगवान श्री राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति से विशेष रूप से यात्री की मदद की और उसे उस संकट से मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा से हमें भक्ति, आस्था और भगवान के प्रति विश्वास के महत्व का संदेश मिलते हैं। आप भगवान